जोशी जी महाराज आगो तारी बात कवरे ठाकर साहब ध्यान दे सुन रहे आप ध्यान दे सुन लो ठाकर सारे सुन लो रे मन डाल दे मेरी Yeah.
देखो हम सुनाओ ठाकर साहब भजन दे दिया हे दादा ऐसे की किसी की बात मान बताओ आप उदास होकर होया हो। जोशी जी महाराज ने बोला हे ठाकरा आप सुनो हमारे मन की बात ओ कमर भारो रेवड़ को पाड़ी बनेगो अरे तो दादा इम की बुरी बात है वाह वाह कोई बुरी बात नहीं है कि रेवड़ को पाड़ी बने लो ठाकर साहब आगे की बात सुनो वो थारो लड़को है रेवड़ को पाड़ी बनसी और समय ऐसो आवेगो आप रो रेवड़ ले काली नाडी जावेगो जावे लो आपरा सागिड़ा सागे ले नाडी में डेरा लगा सी हे ठाकरा ई कंवर का सुरग नेड़ा है घर दूरे अरे दादा वो के कहन लाग रिया हूं आप ठाकर साहब मैं नहीं कह रही हूं जो लिखियो है आपने बता रहे हूं कि कंवर का जो दिनमान है वो बहुत थोड़ा है इंगा सुरग नेड़ा है घर दूर है और थोड़ से एक दिनांगो है आंगो जीवनो जीवनो अरे ओ दादा बात के है आप यहाँ कुकर कह रहा हो ठाकर साहब कमर नाडी जावे गो नाडी में डेरा लगा सी अरे नाडी में पेड़े वो लिखे दी है पेड़े रो नाम सुने हो ठाकर साहब रो कलेजो खिंची हाथ में आ लियो अरे ओ दादा आपको क्या कह रहा हूँ दादा सो मानो आप मांस को जो आप दान रक्षणा लेनी है हमारे से ले सको पर हमारे मोर का है जो काली कलम है आप काल दे ब्राह्मण हाथ जोड़ दिया ठाकरा अगर मारे हाथ में हुए तो मैं नगरी माँ की हुई कहानी खंडो होने दू वो नहीं हे ठाकर साहब ये भगवान वाली खेड़ा है और बे माता वाली खेड़ा ना दिल बदे ना राई जो कुछ लिखा लीलाट में मेट सके ना कोई कोटि यतन करते फिरो अनहोनी ना होय तो दादा कोई तो उपाय हो एक विधि है कुंसी एक तो एक कमर में आप रेवड़ नहीं लेके देवला अगर रेवड़ ले ले तो इन नाडी भूल गई जान देनो कोनी अगर दो बातें आप ध्यान में रख सको तो थारे कमर की उम्र बढ़ सके नहीं तो हर किसी बढ़े कोनी सायरो ऐसी बातें बता ब्राह्मण आपरा आस्थान मकान हो लिया वाह वाह शिलोको कमर दो चार पांच साल री उस टाइम होया एक दिन गुरुजी से पढ़ वापस घरे आ रहा सामे रेवड़ का पानी मिल गया ग्वालिया ने खेलता देखा शिलोको कमर जा हेलो करियो रे ग्वालो ओ भाइयो ओ थारो की है भाई नाम के क्या करो इनकी तो आनंद है आपने आप बड़ा राजी हो रहा हो कमर साहब मैं इन रेवड़ के करा इन में रेवड़ के करा और इन बहुत आनंद है कि तो भाया काको सा इन आनंद है भी तो घर भी राज पाट में ही कौन है क्यों भाई काको सा अच्छो तो उजला जो धोरा है अट धामन घास उग रही है मारो रेवड़ दपावा और अच्छा हाँ धोरिया ऊपर कबड्डी का डाल खेला भूख लाग जा तो धोड़ी देन मार सके है हमारी इंसान अनुसार में दाब दाब खीर बनावा ऐसा शब्द कया सुनो भगवान का घर का लिखेड़ा लेखा नानड़िए कमर गो जो मन हो वो रेवड़ का नहीं घूम गयो मन में विचार करो अगर ऐसे रेवड़ अपना के नहीं हुए तो मैं भी यहाँ धोरिया में चराऊ हमारी इच्छा अनुसार खेलू घरा जा पार्टी बस्ता दूर धर दिया कब चलो जा अमा भटियानी ने लो करियो मा रे हे माता अमा भटियानी दौड़ के सामा आवे।